Your glory must end. मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो प्रसव वेदना में तड़प रही होती है। एक दाई प्रसव में उसकी मदद कर रही होती है और ये दाढ़ी वाला उस औरत का पति है, इसका नाम वॉल्टर है। वो औरत एक लड़की को जन्म देती है लेकिन बच्ची के चेहरे पर काले छाले पड़े होते हैं और कुछ ही पलों में वो औरत एक लड़के को भी जन्म देती है और उसकी पीठ पर भी उसी तरह के काले छाले होते हैं। अब दोनों बच्चों को जन्म देकर वो बेचारी दम तोड़ देती है और पत्नी की मौत से वॉल्टर बहुत दुखी होता है और अपने बच्चों को वहां से लेके जाता है। फिर दिखाते हैं कि 20 साल बाद राजा के महल में तीन लोग बात कर होते हैं कि बुढ़ापे की वजह से राजा बीमार पड़ गए हैं, वो किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है और उसके बाद इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस तरह वे बहुत ही सीरियस डिस्कशन में होते हैं। फिर एक कमरे में राजा को दिखाते हैं जो बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और ये कोई और नहीं थर्ड पार्ट का हीरो ग्रेथ है। कई साल बाद अब वो बूढ़ा हो चुका है। उन तीन आदमियों में से एक है लॉरेन, जिसने थर्ड पार्ट में ग्रेथ को ब्रूड से बचाया था। तब वहाँ ड्रैगन आता है और ये थर्ड पार्ट का वही ड्रैगन है। वैसे बड़ी दुविधा में होते हैं कि ग्रेथ के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। अचानक ग्रेथ मर जाता है और दिल के कनेक्शन की वजह से अब ड्रैगन भी मर जाएगा, सब यही सोच रहे होते हैं। लेकिन ड्रैगन हट्टा कट्टा वहीं खड़ा रहता है और वो खुद भी हैरान होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। वहाँ उसे बड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत उठकर चला जाता है। इसका कारण तो बाद में ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगले शॉट में एड्रिक नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो फोर्थ पार्ट का हीरो है। वो कुछ लोगों को मार मार कर उनकी धज्जियां उड़ा रहा है और ये लोग उस एरिया के लोकल रॉडीज हैं जो आम जनता को परेशान करते रहते हैं। एड्रिक उनको पीट रहा होता है और लोग वहाँ जमा होकर तमाशा देख रहे होते हैं। तब एड्रिक एक आदमी को मारकर एक हाथ से उसको उठा लेता है और उसे कचरे की तरफ फेंक देता है। वो लगभग 50 फीट दूर जाकर गिरता है। उसकी ऐसी ताकत को देखकर लोग तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। वो भी उनके आगे सर झुकाकर थैंक यू कहता है। तभी उसकी पीठ पर काले रंग का पैटर्न दिखाई पड़ता है और ये वॉल्टर का बेटा है जो 20 साल पहले पैदा हुआ था और जिसकी पीठ पर काले छाले थे। बचपन से इसमें तीन आदमियों के बराबर की शक्ति होती है, शायद पीठ के पैटर्न की वजह से ही वो इतना ताकतवर था। तब वहाँ ड्रैगन आता है और एड्रिक तुरंत उसको मारने के लिए तलवार निकालता है। ड्रैगन पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। अब एड्रिक कहता है मेरे पिता वॉल्टर ने कहा है कि ड्रैगन्स बुरे होते हैं और उनसे इंसानों को खतरा होता है और ये भी कहा है कि ड्रैगन को देखते ही उसको मार डालना, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। अब ये सुनकर ड्रैगन चौंक कर पूछता है क्या तुम वॉल्टर के बेटे हो। एड्रिक हाँ कहकर पूछता है कि तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो। तब ड्रैगन एक कहानी सुनाता है। दरअसल वॉल्टर यहाँ के राजा ग्रेथ का इकलौता बेटा है और वो अपने बेटे को एक नाइट बनाना चाहता था, लेकिन वॉल्टर को नाइट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो हमेशा राजा से दूर रहता था। राजा भी वॉल्टर के साथ वक्त बिताने के बजाय ड्रैगन के अंडों को संभालने और छोटे ड्रैगन्स को पालने में लगा हुआ था। लेकिन वॉल्टर की माँ इस राज्य की रानी रोनू वॉल्टर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। तब एक दिन अचानक रानी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। तब वॉल्टर ने फैसला किया था कि अब यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए मैं राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। अब ये सोचकर वो राजमहल छोड़कर चला गया था, मैं तो इतना जानता हूँ। लेकिन उसके बाद वॉल्टर कहाँ गया और उसका क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन शुक्र है कि तुम तो मिले। हाल ही में वॉल्टर के पिता यानी तुम्हारे दादाजी भी चल बसे हैं। हम सब बड़ी दुविधा में थे कि उनके बाद राजा कौन बनेगा। अब तुम मिल गए हो तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। और ये कहकर ड्रैगन एड्रिक को राजमहल में लेके जाता है। वहाँ लॉरेन और उसके साथ ही एड्रिक का स्वागत करते हैं और उसको अंदर लेके जाते हैं। सब उससे अपना नया राजा मानकर उसके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन वो अपना सरताज लेकर बाहर चला जाता है। वो हैरान हो जाते हैं कि ये बिना कुछ कहे बाहर क्यों चला गया, और बाहर जाकर वो सरताज पहन लेता है और खुशी के मारे चिल्लाता है कि हे मैं राजा हूँ और ये पूरा राज्य मेरा। फिर वो जरा शांत होकर अपने साथ कुछ आदमियों को लेके जाता है और जनता से मिलता है। इतना ही नहीं, वो सबको खाना देता है और उनकी खातिरदारी करता है। अब जनता के सामने वो दो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर अपनी ताकत का डेमो भी दे रहा होता है। फिर महल में लौटकर सभी सहेलियों के साथ फ्लर्ट करते करते राजमहल के मजे लूट रहा होता है। अगले दिन वो एक जगह पर नहा रहा होता है, तब ड्रैगन आता है। न जाने क्यों ड्रैगन को एड्रिक पर जरा शक होता है। अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो अपनी पूंछ से एड्रिक के हाथ पे मारता है। अब एड्रिक का खून निकलने लगता है और वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है, लेकिन ड्रैगन को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो सीधे एड्रिक से पूछ ही लेता है, देखो बेटा तुम्हारे दादाजी को मैंने अपना दिल का हिस्सा दिया था, अब इस कनेक्शन के दौरान उनके मरते ही मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि शायद मेरे दिल का कनेक्शन उनके बेटे या पोते से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। कम से कम अब तो तुम्हारा दर्द मुझे फील होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम दर्द से तड़प रहे हो और मुझे कुछ नहीं हुआ, जरूर कुछ गलत हो रहा है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कोई भाई या बहन है। अब एड्रिक कहता है हाँ मेरी एक दीदी है और उसका नाम मेगन।
अमेरिकन है। उसके चेहरे पे अजीब से काले निशान हैं और लोग उसे डायन कहकर उसका दिल दुखाते हैं। अब इन लोगों की डर से वो ना तो घर के बाहर निकलती थी और ना ही किसी से बात करती थी, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ ही रहता था। और इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन मैं नदी से पानी निकाल रहा था कि मुझे एक लड़की की चीख सुनाई दी। फिर मैंने देखा कि वहां दो लोग एक लड़की को पीट रहे हैं और ऐसी घिनौनी हरकत देखकर मैं चुप थोड़ी ना बैठ सकता था। मैं वहां गया और उन लोगों को खूब पीटा। अब किसी तरह मैंने उस लड़की को बचा लिया। फिर पता चला कि वो मेरी दीदी है और मुझे लगा कि ये लोग फिर से उसे डायन बनाकर पीटने और जलाने पे उतर आ जाएंगे। और मैंने दीदी से पूछा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। तब उसने बताया कि वे मेरी शक्ति को बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने मना कर दिया था और वे मुझे पीटने लगे। दरअसल मेरी दीदी के पास आग को कंट्रोल करने की शक्ति है। अब ये सुनकर ड्रैगन समझ जाता है कि उसकी पूरी शक्ति ग्रेथ से वॉल्टर को और वॉल्टर से उसकी बेटी मैगन को मिली थी, इसीलिए वो आग को कंट्रोल कर सकती है। अब एड्रिक आगे बताता है कि एक दिन अचानक हमारे घर में आग लग गई और मेरे पिता उसमें जल गए। अब लोगों का मुंह फिर से खुलने लगा और वे कहने लगे कि इस डायन ने ही अपने पिता को जला दिया। फिर वे मेरी दीदी को मारने पे उतर आए और मैंने अपनी दीदी को उनसे बचा लिया और एक जगह पर सुरक्षित रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद वो कहां गई और क्या कर रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और इस तरह वो अपनी दीदी की पूरी कहानी उसको सुनाता है। अगले दिन राज्य के लोगों को विकिंग्स नाम की गैंग अटैक करती है। ये आदमी गैंग का लीडर है और बड़ी बेरहमी से एक आदमी का गला घोटकर मार डालता है। अब विकिंग्स के बारे में सुनकर एड्रिक भी अपनी सेना लेकर उन्हें अटैक करने जाता है। अब दोनों ग्रुप एक जगह पर मिलते हैं और लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। एड्रिक सोचता है कि लड़ाई में दोनों तरफ बहुत सारे लोग बेवजह मारे जाएंगे, इसलिए वो विकिंग्स के लीडर को ललकारता है कि अकेले मेरे साथ लड़ो। लेकिन वो कहता है कि मुझसे लड़ने से पहले तुम मेरे स्टूडेंट से लड़ो, फिर अगर तुम जिंदा बच गए तो मुझसे लड़ लेना। अब वो लड़की आगे आती है और जलते हुए दो तीर एड्रिक की ओर छोड़ती है, लेकिन दोनों तीर एड्रिक पर लगने के बजाय साइड में गिर जाते हैं और एड्रिक के आदमी खूब हंसने लगते हैं। एक भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा, ये है तुम्हारे स्टूडेंट, ये कहकर वे गैंग के लीडर का मजाक उड़ाते हैं। अब इतने में वो लड़की अपने दोनों हाथ तेज घुमाने लगती है और उन तीरों पर लगी हुई आग बवंडर का रूप ले लेती है। अब एड्रिक के आदमी चौंक जाते हैं। तब एक आदमी उस लड़की पर तीर छोड़ता है जो उस लड़की के हाथ पर जरा सा लग जाता है और उसे थोड़ा दर्द होने लगता है। उस वक्त ड्रैगन को भी उस लड़की का दर्द फील करता है। एड्रिक चौंक कर मुड़ता है तो वो लड़की अपना हुड हटाती है और वो लड़की और कोई नहीं उसकी दीदी मेगन है। उसके गाल पर वही काला पैटर्न होता है। अब इतने साल बाद अपनी दीदी को देखकर वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो दुश्मन के पक्ष में होती है और ये जानकर वो जरा चौंक जाता है। मेगन कहती है, क्यों मेरे भाई, ठीक हो ना? इस तरह लड़ने से अच्छा है कि हम बैठकर बातचीत करें। अब एड्रिक और मेगन बातचीत के लिए बैठे होते हैं और ड्रैगन भी साथ में होता है। ड्रैगन कहता है, कुछ भी हो मेगन, तुम आग तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हो। मेगन बताती है कि मैं आग को कंट्रोल तो कर सकती हूँ, लेकिन उसे खुद बनाने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर कहीं आग लग गई हो तो मैं उसे अपने इशारों पर नचा जरूर सकती हूँ। तब वो ड्रैगन के अंदर आग की शक्ति को देखती है। इतने में एड्रिक पूछता है, क्यों दीदी, इतने साल तुम कहाँ थी और तुम इस गैंग के साथ कैसे जुड़ गई? मेगन कहती है, क्या बात करते हो ब्रो, मैं इस गैंग की लीडर हूँ, मैं उस आदमी की स्टूडेंट नहीं, वो मेरा असिस्टेंट है। और ये सुनकर एड्रिक चौंक जाता है। फिर कहता है, दीदी अब तुम्हें इस तरह भटकने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेगन हंसकर कहती है, इस पल तक तो तुम राजा थे, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ और मैं तुमसे एक मिनट बड़ी हूँ, इसीलिए इस राज्य को अब मैं संभालूंगी। तुम चुपचाप राज्य मुझे दे दो वरना बहुत पछताओगे। अब उसकी धमकी सुनकर एड्रिक कहता है, हे दीदी मजाक बंद करो, राजा तो मैं ही बनूंगा, तुम चाहो तो मंत्री बन सकती हो। और मेगन चिढ़कर कहती है, भाई लगता है तू बातों से नहीं मानेगा, चलो लड़कर इसका फैसला कर लेंगे। और ये कहकर वो चले जाती है। तब अंधेरा होने लगता है और दोनों पक्ष फैसला करते हैं कि अगले दिन लड़ाई होगी और दोनों अलग अलग जगह पर डेरा डालते हैं। ड्रैगन एड्रिक के टेंट के पास ही सो जाता है। बीच रात को मेगन ड्रैगन के पास आकर उसके शरीर से आग की शक्ति को बाहर खींचती है और उसको एक शीशे में बंद कर देती है। वो खुद आग तैयार नहीं कर सकती, इसीलिए वो ड्रैगन की शक्ति को चुरा लेती है। लेकिन उसे एड्रिक का एक आदमी देख लेता है और इस बात पर दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एड्रिक को बचाने के लिए ड्रैगन उस पर आग छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आग तो उसके पास अब है ही नहीं और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तब मेगन वहां आती है, उसने वो शीशी अपने गले में पहनी होती है। उस शीशी से आग निकालकर वो ड्रैगन पर फेंकती है और ड्रैगन का शरीर जलने लगता है। लेकिन उसको क्या पता था, ड्रैगन के साथ साथ मेगन का शरीर भी जलने लगता है। तब जाकर वो अपने और ड्रैगन के बीच के कनेक्शन को समझ पाती है। अब ये जानकर वो ड्रैगन को अटैक करना बंद कर देती है और एड्रिक पर आग छोड़ती है। आग आसमान तक पहुंच जाती है और ये देखकर एड्रिक डर जाता है कि इससे और पंगा लिया तो ये पूरे राज्य को जला देगी, तो वो तलवार फेंककर सेंटर हो जाता है। अब किले के अंदर ड्रैगन को जंजीरों से बांध कर रखा होता है। फिर मेगन एड्रिक को लोगों के सामने खड़ा करके अनाउंस करती है कि आपके राजा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब एड्रिक जनता के सामने कहता है कि आज से मैं आपका राजा नहीं हूँ, ये मेरी दीदी मेगन है और आज से यही राज्यभार संभालेंगी। लोगों को ये सुनकर ठीक नहीं लगता, लेकिन मेगन की ताकत देखकर उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। अब मेगन खुद सरताज पहन लेती है, पर कोई भी उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के मूड में नहीं होता, लेकिन मेगन उनसे जबरदस्ती तालियां
बुलाती है और बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करती है। फिर वो अपनी स्पीच में कहती है कि मैं तुम लोगों की रानी हूँ, मैं ऑर्डर करूंगी और तुम लोग मानोगे, अपनी खुद की सोच तो तुम लोग बंद ही कर दो, समझे। इस तरह लोगों को धमकाने के बाद वो एड्रिक को राजमहल से बाहर निकाल देती है और ये सब जानकर भी बेचारा ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी आग तो अब उसके पास है ही नहीं। राजमहल से बाहर आकर एड्रिक राज्य के बाहरी इलाके में एक घर की ओर जाता है। वहाँ रॉबर्ट नाम का एक आदमी रहता है जो एड्रिक का हमराज है और एड्रिक उस पर बहुत विश्वास करता है। रॉबर्ट उसको दिलासा देकर कहता है, राजा ये सब क्या हो रहा है, हम इस तरह विकिंग से डर कर नहीं रह सकते, हमें इस राज्य को बचाने के लिए कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। अब एड्रिक कहता है, तुम ठीक कहते हो पर हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है हथियारों का। रॉबर्ट बताता है कि किले के अंदर एक सीक्रेट रूम है जो हथियारों से भरा पड़ा है, तो फिर हम कल ही जाकर उन हथियारों को लेके आएंगे, ये कहकर एड्रिक सो जाता है। अब अगली सुबह एड्रिक छुपकर उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां मेगन के आदमी पहरा दे रहे होते हैं और चौंक कर एड्रिक मुड़ता है तो वहां रॉबर्ट होता है। वो कहता है, माफ कीजिए राजा जी, मैं हमेशा से राजगद्दी का वफादार रहा हूं, आप जैसे एक्स राजा का नहीं, आज की तारीख में जो राजगद्दी पर बैठी है वही मेरी मालकिन है। और इस तरह आने वक्त पर अपनी गद्दारी दिखाकर रॉबर्ट एड्रिक को अरेस्ट करवा देता है। यहां मेगन सारी लड़कियों को तलवारबाजी सिखा रही होती है और कहती है कि हम भी मर्दों से कम नहीं है। अब एड्रिक के हाथ पर बांधकर उसे एक बोट में समुद्र के किनारे लेके जाते हैं और मेगन ड्रैगन के पास आकर बात करती है। ड्रैगन कहता है कि तुम दोनों भाई बहन इस तरह आपस में लड़कर मरना क्यों चाहते हो, दोनों मिलकर इस राज्य को क्यों नहीं संभाल सकते और मिलकर लोगों का भला क्यों नहीं करना चाहते, और तुमने उसको यहाँ से क्यों भगा दिया, क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है। इतने सारे सवाल सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। तब वहाँ लॉरेन आकर कहता है, रानी आपका खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। मेगन उठकर खाना खाने के लिए चली जाती है। तब लॉरेन को ड्रैगन और ग्रेथ के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आते हैं और वो छुपके से ड्रैगन की जंजीर खोल देता है। अब शिप में एक आदमी एड्रिक को मारने आता है, लेकिन एड्रिक उसको खूब पीटता है और इस बोट में छेद हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। विकिंग्स एड्रिक को अटैक करते हैं, ठीक उसी वक्त वहां ड्रैगन आजाद हो जाता है और सीधे उड़कर एड्रिक के पास आ जाता है। फिर वो एड्रिक को उठाकर वहां से दूर लेके जाता है। इस तरह एड्रिक और ड्रैगन दोनों बच जाते हैं। महल में मेगन शानदार खाना खाकर बाहर आती है तो ड्रैगन गायब होता है। अब ये देखकर उसका साथी बड़े दुख के साथ कहता है कि रानी ड्रैगन बच निकला, अब हम क्या करेंगे। मेगन कहती है, ये इतनी सीरियस बात नहीं है, बिना आग की शक्ति के ड्रैगन एकदम बेकार है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम चिल करो। अब ये कहकर वो चली जाती है। ड्रैगन बच निकला और इस लड़की को जरा भी फिक्र नहीं, जरूर हमारे बुरे दिन आ चुके हैं, और ये सोचकर वो आदमी परेशान हो जाता है। वहाँ से दूर ड्रैगन और एड्रिक आराम से लेटकर तारे गिन रहे होते हैं। तब वहाँ लोक नाटक करने वाला एक ग्रुप आता है और वे पूछते हैं कि राजा आप राजमहल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं। एड्रिक पूछता है कि क्या आप मेरी हथकड़ी खोल सकते हैं। ग्रुप का एक आदमी आकर हथकड़ी खोलता है। इतने में ड्रैगन बुरी तरह खांसने लगता है। अब आग की शक्ति के बिना वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। तब एड्रिक कहता है कि हमें किले के अंदर जाना होगा, लेकिन वो जाएगा कैसे, उसे देखते ही विकिंग्स उसको खत्म कर देंगे। तब लोक नाटक वाला ग्रुप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ड्रैगन और एड्रिक लोक नाटक ग्रुप के साथ किले के अंदर पहुंचते हैं। ड्रैगन अपना रूप बदलकर एक पत्थर जैसा दिखता है और एड्रिक ने घूंघट से अपना मुंह ढका हुआ होता है। किले के एंट्रेंस पर गार्ड इन्हें चेक करते हैं, लेकिन उन्हें इन पर कोई शक नहीं होता और इन लोगों के पास जो भी पैसे होते हैं वो गार्ड छीन लेते हैं और इन्हें अंदर भेज देते हैं। अब इस तरह के रिश्वतखोर राज्य की क्या सुरक्षा करेंगे। क्या आपको इस तरह का कोई अनुभव हुआ है जब किसी काम के लिए आपसे रिश्वत मांगी गई हो और आपने देने से इनकार किया। अगर है तो गर्व के साथ कमेंट से बताइए। ये भी बताइए कि आपने फिर वो काम कैसे करवाया। बातों बातों में मैं बहुत ही सीरियस बोल जाता हूँ। खैर चलिए जरा लाइट होकर कहानी में लौट आते हैं। अब इस तरह पैसे देकर एड्रिक और साथी किले के अंदर चले जाते हैं और एक स्टेज पर अपना नाटक शुरू करते हैं। लोग नाटक एंजॉय कर रहे होते हैं और मेगन भी ऊपर से ये सब देखकर एंजॉय कर रही होती है और कुछ देर बाद वो थक जाती है और अंदर चली जाती है। तब नीचे से उसे थॉरग्रिम नाम का एक आदमी देख रहा होता है। दरअसल यही इस कहानी का विलन है। फिलहाल तो ये मेगन का मंत्री है, लेकिन इसकी नजर राजगद्दी पर है और मेगन को अकेले जाते देख वो सेवन नाम की लड़की को उसके पास भेजता है और कहता है कि रानी को कैसे भी करके खत्म कर दो। सेवन मेगन को फॉलो कर रही होती है। यहाँ एड्रिक भी मेगन को फॉलो कर रहा होता है क्योंकि उसके पास आग की शक्ति होती है और इसी शक्ति से ड्रैगन पूरी तरह ठीक हो सकता है। मेगन अपने कमरे में जाकर कुछ ही देर में सो जाती है और सोते वक्त भी उसने आग की शक्ति वाली शीशी अपने हाथ में पकड़ कर रखी होती है। तब सेवन धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और मेगन पर चाकू चलाने वाली होती है कि दूसरे दरवाजे से एड्रिक चिल्लाता हुआ अंदर आता है और ऐन वक्त पर मेगन जाग जाती है और बाल बाल बच जाती है। लेकिन
तब वो एड्रिक को गलत समझती है कि वो उसको मारकर ड्रैगन की शक्ति लेने आया था, और इस बात पर वो एड्रिक से लड़ने लग जाती है और मौके का फायदा उठाकर सेबल आग की शक्ति वाली शीशी उठाकर भाग जाती है। अब भाई बहन उसको चेस करने लगते हैं। अचानक थॉर ग्रिम की आदमी वहां आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त ड्रैगन भी आ जाता है और इन दोनों को बचाकर अपने साथ लेके जाता है। अगले दिन दोनों एक जंगल के बीच आंखें खोलते हैं और मेगन कहती है, एड्रिक मेरी सारी परेशानी की जड़ तुम हो, तुमने मुझसे वो शीशी चुराने की कोशिश की, ऊपर से मुझे मार भी डालना चाहते थे, भाई होकर ये सब तुम कैसे कर सकते हो। अब एड्रिक कहता है, वाह दीदी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम्हारी खरी खोटी भी सुनूंगा, मैं तो सिर्फ शीशी चुराने आया था, लेकिन तुम्हें मारने का प्लान तो उस थॉर ग्रिम ने ही बनाया होगा, वही जिसे तुम अपना मंत्री समझती हो, वो राजा बनना चाहता है, बात को समझो, कल रात मैं चिल्लाया नहीं होता तो आज तुम्हारा जनाजा उठ चुका होता। और इन दोनों का झगड़ा देखकर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाता है कि तुम दोनों जैसे उल्लू के पट्टे मैंने आज तक नहीं देखे, बंद करो अपनी चबड़ चबर, अब तो राजगद्दी तुम दोनों के हाथ से निकल चुकी है, कम से कम अब तो लड़ना बंद करो और शांत होकर मेरे साथ चलो। इससे पहले कि थॉर ग्रिम उस आग की शक्ति का बुरा इस्तेमाल करे, हमें किले में जाकर उस शीशी को निकालना होगा, मैं तो चला, तुम दोनों अपना झगड़ा खत्म करके आराम से आ जाना। और इस तरह उन्हें डांट कर ड्रैगन उठ जाता है। लेकिन इन दोनों का आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होता, बातों के बीच इनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। एड्रिक मेगन को मारकर हवा में उड़ा देता है और बदले में मेगन अपनी आग को उसकी तरफ छोड़ती है। लड़ते वक्त वे एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं और तब उन दोनों को एक फ्लैशबैक याद आता है, बचपन में ये दोनों यहाँ लुका छुपी खेलते थे। अब एड्रिक कहता है, वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, हम दोनों कितने मजे से खेला करते थे, लेकिन तुमने अपनी आग की शक्ति से पिताजी को जला डाला। और मेगन बहुत दुखी होकर कहती है, भाई तुम भी दूसरे लोगों की तरह मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, क्या तुम जानते हो कि उस रात सच में क्या हुआ था। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उस रात वॉल्टर एड्रिक से कहता है कि गांव वालों को हमारी जगह का पता चल चुका है, इसीलिए हमें अभी ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एड्रिक कहता है कि अभी अभी मुझे इस गांव में नए दोस्त मिले हैं, उन्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। अब घर के बाहर मेगन इनकी बातें सुन रही होती है। एड्रिक की जिद देखकर वॉल्टर एड्रिक के गाल पर जोर से चांटा मारता है और कहता है, चुपचाप मेरी बात मानो। और गुस्से में आकर एड्रिक अपने पिता को धक्का दे देता है और रोता हुआ वहां से चला आता है। अब उसके जाने के बाद मेगन अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पिता के मुंह से बहुत खून बह रहा है। एड्रिक के धक्का देने की वजह से वॉल्टर एक न्यूक्लियर रॉड से टकरा गया था और रॉड उसकी पीठ में घुस गई थी। अब बहुत खून बहने की वजह से वॉल्टर वहीं मर जाता है और मेगन बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके भाई पर खून का इल्जाम लगे, इसलिए वो अपनी आग की शक्ति से उस पूरे घर को जला देती है ताकि ये एक दुर्घटना लगे। लेकिन गांव वाले उसे डायन और खूनी समझने लगते हैं। और फ्लैशबैक सुनने के बाद एड्रिक कहता है, सॉरी दीदी मुझे सब नहीं पता था, इतने साल से मैं तुम्हें खूनी समझ रहा था। इस तरह माफी मांगकर वो दीदी को गले लग जाता है। तब ड्रैगन वापस आ जाता है और इन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है। ये हुई ना बात, अब चलो तुम्हारे बिना मैं किले के अंदर कैसे जा सकता हूँ। अब तीनों किले की ओर जाते हैं। किले के अंदर थॉर ग्रिम लॉरेन को धमका रहा होता है। इसी बीच एड्रिक वहाँ पहुँचता है और थॉर ग्रिम को लड़ाई के लिए ललकारता है। थॉर ग्रिम भी मान जाता है। अब मेगन और लॉरेन किले के अंदर से सारी लड़कियों को आजाद करते हैं और उन्हें तलवार दे देते हैं। इन लड़कियों को मेगन ने तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी होती है। यहाँ एड्रिक और थॉर ग्रिम खूब लड़ रहे होते हैं। तब ड्रैगन उनके पास उड़ता हुआ आता है और थॉर ग्रिम एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर एड्रिक थॉर ग्रिम से आग की शक्ति की शीशी छीन लेता है। दूसरी ओर थॉर ग्रिम के आदमी मेगन को चेस कर रहे होते हैं, लेकिन मेगन के स्टूडेंट उन आदमियों से लड़ने लगती है। थॉर ग्रिम और एड्रिक की फाइट के बीच मेगन आकर एड्रिक को बचाने की कोशिश करती है। तब अचानक थॉर ग्रिम की जासूस सेबल, जिसने पहले मेगन को मारने की कोशिश की थी, वो ऊपर से मेगन के सीने में तीर छोड़ती है और दर्द के मारे वो तड़पती हुई नीचे गिरती है। उसी वक्त दिल के कनेक्शन की वजह से ड्रैगन को भी पीड़ा होती है और वो भी नीचे गिर जाता है। अब इतने में थॉर ग्रिम शीशी खोलकर आग की शक्ति को पी लेता है। उसने सोचा था कि उसे पीकर वो भी ड्रैगन की तरह आग उगल सकेगा, लेकिन पीने के बाद उस घोंचू को पता चलता है कि इतनी भारी शक्ति को उसका शरीर सहन नहीं कर पाता। अरे एक बार ड्रैगन का और खुद का साइज देख तो लिया होता, वैसी शक्ति या तो ड्रैगन्स में होती है या फिर ड्रैगन वंश के इंसानों में होती है जिनके शरीर पर ड्रैगन स्किन होता है। एड्रिक और मेगन वैसे इंसान है, अब ये सब तो थॉर ग्रिम नहीं जानता था और उस शक्ति को कफ सिरप की तरह पी गया। फिर क्या था, कुछ ही देर में वो जलकर राख हो जाता है। यहाँ एड्रिक मेगन को गोद में लेकर रोने और बिलकलाने लगता है। मेगन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन इस हालत में भी वो अपनी शक्ति से आग को कंट्रोल करती है और उसे शीशी में बंद कर देती है। वहाँ ड्रैगन भी मेगन की तरह मौत से लड़ रहा होता है और इन दोनों में सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। अब फैसला एड्रिक के हाथ में है कि वो किसे आग की शक्ति देकर जिंदा करना चाहता है। तभी ड्रैगन कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी दीदी को बचाओ। एड्रिक बेबस होकर कहता है, दीदी तो बच जाएगी लेकिन तुम्हें मैं मारने के लिए नहीं छोड़ सकता। अब ड्रैगन कहता है कि मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपना फर्ज भी पूरा कर लिया, लेकिन इस राज्य और यहाँ की प्रजा को तुम दोनों की जरूरत है, इसीलिए प्लीज मेरी बात मान लो। अब एड्रिक उसकी बात मानकर आग की शक्ति मेगन को दे देता है और मेगन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तब एक और अजूबा भी होता है, उन दोनों की स्किन का काला निशान धीरे धीरे मिटने लगता है और साथ ही
बचपन से इनके पास जो शक्तियाँ थी वो भी चली गई होती हैं। एडिक और मेगन अब आम इंसान हो गए होते हैं, तब ड्रैगन की सांसें रुक जाती हैं और उसका शरीर अनगिनत जुगनों की तरह आसमान में उड़कर तारों के बीच एक तारा बन जाता है। तब आसमान से ड्रैगन की आवाज आती है और वो कहता है, तुम दोनों हमेशा की तरह मिलजुल कर खुश रहना और इस राज्य के लोगों को अच्छे से देखभाल करना, यही मेरी ख्वाहिश है। ड्रैगन की आवाज में इस एडवाइस के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस ड्रैगन मूवी सीरीज का पांचवा और आखिरी पार्ट मिस मत करना। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सीरीज के बारे में आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हाँ, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।